सबसे चाहिए और शायद सबसे प्रचलित सुपर हीरो स्पाइडरमैन इस साल बड़े पर्दे पे वापस आ रहा है फार फ्रॉम होम मूवी के साथ। इसमें कोई संदेह ही नहीं कि काफ़ी लोगों को चाहता है और वो हो भी क्यों ना, वो सार्कास्टिक होने के साथ साथ ताकतवर भी है। पर इस ताकत का असल राज क्या है, कैसे काम करती हैं स्पाइडरमैन की शक्तियाँ? तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे स्पाइडरमैन की शक्तियाँ असल में काम करती हैं बस 2 मिनट में। आमतौर पर जब पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव मकड़ी ने काटा, किसी ने नहीं सोचा होगा कि स्टैनली असल में इस प्रक्रिया को साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तक पहुंचा चुके होंगे। खैर, वैसे तो कहने के लिए स्पाइडरमैन पे काफ़ी सारी सुपर पावर्स हैं जो कि इस 2 मिनट की वीडियो में पूरा नहीं हो सकता, तो हम अभी फ़िलहाल के लिए स्पाइडी की सबसे बेसिक पावर दीवार में चलने के बारे में फोकस करेंगे। ट्रोलिंग पावर एक्सप्लेन करने से पहले मुझे लगता है कि ये सबको जानना चाहिए कि दीवार में चलना कोई नई चीज़ नहीं है। अगर हम रियल लाइफ की बात करें, हाँ माना कि इंसानों के लिए ये नामुमकिन सा है, पर कुछ छोटे जीव के लिए ये पार्क में चलने जैसा है। इंसेक्ट्स के लिए ये इसलिए एक आम चीज़ है क्योंकि वैंडरवॉल नामक एक फोर्स उस छोटे लेवल पे आ जाती हैं। इसका मतलब उनके शरीर में इतने छोटे छोटे माइक्रो हेयर होते हैं जो वैंडरवॉल फोर्स की मदद से दीवारों में चिपक सकती हैं। पर एक आम इंसान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इंसानों के त्वचा में माइक्रो हेयर नहीं होता। पर क्योंकि ये कॉमिक है और शायद कुछ लोगों को लगे कि इस मकड़ी के काटने से वो माइक्रो हेयर शायद पीटर पार्कर को आ गए, तो ये बात भी कुछ हद तक गलत ही होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पीटर पार्कर का माइक्रो हेयर उसके सूट पे काम बिल्कुल नहीं करता और ना ही वो रेंग सकता दीवारों पे। एक पल के लिए अगर हम ये भी मान लें कि पीटर पार्कर ने एक स्पेशलाइज सूट बना भी दी है इसको काउंटर करने के लिए, तो एक चीज़ फिर भी साबित नहीं हो पाती। वो है, अगर वो किसी आम व्यक्ति से अगर हाथ मिलाए तो वो माइक्रो हेयर सामने वाले को चोट पहुँचा सकती है, तो या तो स्पाइडरमैन के पास माइक्रो हेयर है या नहीं, दोनों आशंका वाली बात है। पर इसका एक अर्थ ये भी निकल सकता है कि स्पाइडरमैन के पास ये काबिलियत है कि वो ऐसे माइक्रो हेयर बना सके जो कि इतने छोटे हैं जो कपड़ों पे भी काम करते हैं। उसके साथ ही वो माइक्रो हेयर वो खुद अपने मन से कंट्रोल भी कर सकता है, यानी कि अगर वो हाथ मिलाने जाए तो वो अपने मन से उन माइक्रो हेयर को बंद कर देता है। पर उसके साथ ये कुछ तरीके का फ्लूड भी छोड़ता है माइक्रो हेयर के साथ, क्योंकि दीवारों पे चिपकना इंसानों के वजन के मुताबिक नामुमकिन है। ये बहुत ही काबिल तारीफ है कि कैसे स्टैनली और उसके साथियों ने किसी पावर को इतने डिटेल में सोच रखा है। इसमें कोई बुराई नहीं कि स्टैनली एक जीनियस थे। तो अगले मजेदार वीडियो आने तक अपने ब्लाइंड स्पॉट को ब्लाइंड ना होने दें।